केप टाउन टेस्ट की पहली पारी में साउथ अफ्रीकी टीम महज 55 रनों पर ऑल आउट हो गई है। भारत के लिए मोहम्मद सिराज सबसे कामयाब गेंदबाज रहे। मोहम्मद सिराज ने साउथ अफ्रीका के 6 बल्लेबाजों को अपना शिकार बनाया। इसके अलावा जसप्रीत बुमराह और मुकेश कुमार को दो दो कामयाबी मिली। इससे पहले साउथ अफ्रीका के कप्तान डीन एल्गर ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला किया था। साउथ अफ्रीकी टीम के महज 2 बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा पार कर सके। काइली वैरन ने सबसे ज्यादा 15 रन बनाए। इसके बाद डेविड बेडिंगहम ने 12 रन बनाए। पिछले मुकाबले में शतक लगाने वाले साउथ अफ्रीकी कप्तान डीन एल्गर महज 4 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। मोहम्मद सिराज ने डीन एल्गर का अहम विकेट झटका। ओपनर मार्करम और डीन एल्गर के बाद टॉनी जॉर्जे पवेलियन लौटे। इसके बाद मेजबान बल्लेबाजों का पवेलियन लौटने का सिलसिला जारी रहा। ट्रिस्टन स्टब्स, बेडिंगहम, वैरन, यानसन, केशव महाराज और कगिसो रबाडा ने क्रमशः 3, 12, 15, 0, 3 और 5 रन बनाए। पहले 10 ओवर में साउथ अफ्रीकी टीम के 4 बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके थे। उस वक्त मेजबान टीम का स्कोर मात्र 15 रन था। वहीं साउथ अफ्रीका की पूरी टीम महज 23.2 ओवर में पवेलियन का रुख कर चुकी थी। यानी टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी साउथ अफ्रीकी टीम लंच से पहले सिमट गई। मोहम्मद सिराज ने पहले सेशन में 5 विकेट लेकर इतिहास रच दिया। साथ ही मोहम्मद सिराज को जसप्रीत बुमराह और मुकेश कुमार का अच्छा साथ मिला। भारत के लिए मोहम्मद सिराज, जसप्रीत बुमराह, मुकेश कुमार और प्रसिद्ध कृष्णा ने गेंदबाजी की। हालांकि प्रसिद्ध कृष्णा को कोई कामयाबी नहीं मिली। इसके अलावा रविंद्र जडेजा गेंदबाजी करने ही नहीं आए। दरअसल इससे पहले ही साउथ अफ्रीकी टीम ऑल आउट हो गई। इसके साथ ही बता दें कि 55 रनों के टोटल के साथ साउथ अफ्रीका ने भारत के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट की एक पारी में सबसे छोटा टोटल बनाने का शर्मनाक रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। पहले टेस्ट में किले जैसी मजबूत दिखने वाली अफ्रीकी बैटिंग लाइनअप दूसरे टेस्ट में भारतीय गेंदबाजों के सामने ढेर हो गई। इससे पहले भारत के खिलाफ टेस्ट में सबसे कम टोटल बनाने का शर्मनाक रिकॉर्ड न्यूजीलैंड के नाम पर दर्ज था, जब 2021 में केवी टीम वानखेड़े में भारतीय टीम के सामने 62 रनों पर ऑल आउट हो गई थी। लेकिन भारत के सामने 55 रनों पर ऑल आउट होकर दक्षिण अफ्रीका ने इस खराब रिकॉर्ड को अपने नाम कर लिया। अब इस पर आपका क्या मानना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब आपको क्या लगता है कि क्या भारतीय टीम ये सीरीज ड्रॉ करा पाएगी या नहीं, इसके बारे में अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और स्पोर्ट्स से जुड़ी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल स्पोर्ट्स लाइव एबीपी लाइव को।